दारू पीने वाला भाई, तेजस्वी प्रकाश। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। आप इस बार भी हम इन्हीं घरों पे उतरे हैं और मेरे पास सिर्फ कोई था। तो चलो भाई ये ले घोंचू। ओह शिट, चला जाए यहाँ से ऑलरेडी। अब इस एक मिनट में यहाँ पे क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैंने एक कोयते से बंदा मारा है और दूसरे का मैंने किल चुरा है और उसी को यहाँ से भगा दिया। फिर मैंने कहा भाई अब यहाँ पे अपन बच ही चुके हैं तो ये पेटी ही खोल देते हैं कि नहीं। और ये देखो इसमें क्या मिल जाता है, ग्रोजा। और ग्रोजा मिलते ही एक किल चुरा लेता हूँ। चलो भाई प्रिंसेस मुन्नी। अरे मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे, यहाँ पे मेरे किल कितने देखो और अब कितने हो गए वो देखो। चलो बेटा पूरे भारत माता की जय। बस भाई मुझे नहीं पता है बंदे यहाँ पे नीचे क्या कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे घपाघप 4 किल मिल गए। 2 को नॉक किया और 2 तो पहले ही नॉक थे। वो नॉक वालों का तो कुछ नहीं, वो तो सह लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या है कि नहीं। लेकिन जिन्होंने नॉक किया था उनका क्या, उनको जान दो भाड़ में। और मुझसे कमेंट में बहुत सारे लोग कहते कि भाई तू मराठी में कमेंट्री कर ले। अब एक बार मैं बता ही देता हूँ कि मैं क्यों नहीं करता। मैं मराठी में बात कर सकता हूँ, मैं 100% बोलू सकता हूँ मराठी। पर अगर मैं मराठी में बात करूंगा तो मराठी समझने वाले कम से कम 25% होंगे अपने चैनल पे, ठीक है। फिर बाकी के लोग क्या करेंगे, वो तो भाग जाएंगे ना। और मैं अपने किसी भी क्यूटी पाई के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता, ऐसा तो मैं लग रहा होगा। लेकिन हाँ यार क्या कर सकती है। मैंने कुछ महीने पहले एक सीरीज शुरू की थी कि भाई भारत में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें मैं बात करने की कोशिश करूंगा या फिर उस एक्सेंट में ही कर लूंगा। लेकिन वो सीरीज बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुई। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही गुजराती लैंग्वेज में बात की, मैंने देखा कि उसमें जो भी एवरेज व्यू परसेंटेज होता है वो 60 पे आ गया और नॉर्मली मेरा कम से कम रहता है 85-87। तो मैंने कहा गड़बड़ क्या है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे पता चला कि भाई जो गुजराती नहीं समझ पा रहे वो लोग भाग रहे हैं। तो अगर मैं तमिल में बात करूंगा फिर मेरा क्या होगा। इसी कारणवश मैंने वो सीरीज बंद कर दी और मैंने लैंग्वेज चेंज करना भी बंद कर दिया। मैं ऐसी लैंग्वेज में ही बात करता हूँ जिसमें थोड़ा सा समझ जाए बंदा, है कि नहीं। खैर अभी ये बकवास करते करते मैंने 2 बॉट मार देते हैं और मेरे नीचे एक घोंच हुए जो कि नेट फेंकने की कोशिश करता है। अबे खजवे, इसको देता हूँ प्रसाद देता हूँ। चलो भाई ये ले। नेड़ फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पैरों के नाखून उखाड़ दिए। खैर अभी मेरे आगे वाले इस लस्तन बिल्डिंग में कुछ बंदे थे तो मैंने कहा भाई नेड़ फेंक के इनकी जिंदगी हराम कर दूं क्या, तो उसका आंसर था हाँ। फिर मैंने फेंक दिया, लेकिन भाई नहीं हो सकता भाई इसमें कुछ, ये बिल्डिंग मुझे पता था इसमें नहीं हो सकता कुछ भी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा आगे चलते, लेकिन ये देखो ये खोचू कौन था, ये बंदा था बॉट था रिंटू। ये कौन है, ये मगरमच्छ यहाँ पे घात लगा के बैठा हुआ क्या? अच्छा अच्छा नॉक है। चलो बेटा तुम भी चलो भाई। अब यहाँ पे अपने 13 किल हो चुके हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और मेरे आगे कुछ बंदे लड़ाइयां भी कर रहे हैं तो मैं कहता भाई मैं क्या यहाँ से उड़ के जा सकता हूँ। उसका आंसर था नहीं, क्योंकि मेरे पास लस्तन नहीं था। तो मैं कहता हूँ ये ले, और अब तो आगे जाना ही पड़ेगा भाई। मार मार के सबकी चमड़ी ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी, क्या नाम है मेरा, क्या नाम है मेरा, एक बार कमेंट सेक्शन में देखने दो तुमने क्या क्या लिखा है। तो अब देखो ये मेरे क्या क्या नाम रखे है। दारू पीने वाला भाई, तेजस्वी भाई, तेजस्वी प्रकाश। ट्रेव भाई आज मुझे समझ आया, आपसे इंस्पिरेशन लेके यश भाई और फ्रूटी गेमिंग ने अपना सफर शुरू किया था, आज वो लोग कामयाब हुआ। ये गिल बॉय क्या बोल रहे, देखो एज अ रेगुलर व्यूअर ऑफ ट्रैक्टर भाई मी नाउ अ डेज इन एवरी सिचुएशन आप भाई घोचू एंड उरियो बॉप। अच्छा ऐसा करते होगा तुम लोग, खैर कोई बात नहीं। टिचकुले भाई, अगर मैंने भी इनको मार मार के इनकी चमड़ी ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी टिचकुले भाई नहीं। चलो भाई। और यो बाप रे, और यो बाप रे भाई, जानवर के पास देव सेना थी इसने मेरे को बताया नहीं, ये क्यों बताएगा मेरे को, इसकी बुआ थोड़ी ना हूं मैं। और साथ ही साथ हमारे चंदू भाई को भी इसने लथेड़ दिया। भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था यार, यहाँ पे मेरे 13 किलो चुके थे, वो भी उतरते ही बहुत सारे किल हो सकते थे, 50 बंदे बाकी थे। खैर कोई बात नहीं यार, वहां से मरकर मैं यहाँ पे आता हूँ और सीधा घर में लैंडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। वो इग्नू घरों में मैं सीधा अंदर घुसता हूँ ना, और वहाँ पे सर्वाइव करने का यही एक तरीका भी है। तुम्हारी लैंडिंग अगर जल्दी हो रही है तो उतना इनफ नहीं है,
तुम्हें अंदर भी घुसना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, सीधा अंदर घुसो घर के, ताकि तुम्हारी लेट लैंडिंग भी हो जाए। तो बंदे नीचे कूदते हैं। अब हर बार तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे ऊपर नहीं कूद पाते। खैर अभी मेरे सामने लगभग नूब बंदा है। घोचू लगभग प्रो है क्या तू लसने? अबे जाके इसको देता हूँ प्रसाद लगभग प्रो। अबे लसन प्रो लगभग प्रो है। उधर हम भी मार रहा कोई। लेकिन यार आगे की तरफ भी कुछ घोंचू बचे हुए और ये ड्रॉप भी आ गया। खैर ये रहा। और देखा मैंने कहा था ना, चंदू भाई कभी भी किल नहीं चुराता। खैर अब यहाँ पे अपने 15 किल हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और बंदे कितने बचे, 36 बंदे बचे। मतलब कि अपन इसमें बहुत सारे किल कर सकते हैं। इसलिए मैं घपाक से लसन खाता हूँ और आता हूँ इस साइड। लेकिन ये कौन है भाई, शक्तिमान? अरे बाप रे, भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा जल्दी से यहाँ से, यहाँ पे नहीं रुक सकता। दुनिया में चुड़ो चुड़ो कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ओ मेरे दिल के चैन। कोई बात नहीं, हम करेंगे चिकन इसमें। और यहाँ पे हमेशा की तरह हमारी लेट लैंडिंग हो चुकी थी। मेरे आगे की तरफ मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था, मुझे दिखा सिर्फ और सिर्फ एक नेड। और मैं समझ गया कि अब मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे गन मिलना उतना ही मुश्किल है जितना गरीब को न्याय। चलो भाई ये ले। और भाई नेट फेंकने के बाद ऐसा लगता है कि ये ग्रेनेड अपने पे ही गिरा है, लेकिन वो आगे चला जाता है। ये ग्लिच है या फिर क्या है, इससे मेरी फट जाती है, मगर अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन अगर सच में ही टकरा के वापस आ गया और मैंने ऐसा सोच लिया कि भाई ये तो ग्लिच है, तो मेरे लसन नहीं लग जाएंगे क्या? खैर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस घोंचू को यहाँ पे मार दिया था। और ये देखो इसने डब्बा भी खोल दिया था। गुरुजी का काम तू क्यों कर रहा है? खैर अभी इसका एक फ्रेंड मेरे आगे है। मॉली गॉड लसन गॉड चले बेटा तुम भी। अरे और यहाँ पे देखो मेरे टीममेट का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कवर फायर। बच गया भाई, भाई ऐसा कवर फायर दो ना तुम ऐसा। अब हमारे भाई साहब ने इतना बढ़िया कवर फायर दिया, मैं क्या बताऊं। लेकिन किल तो चोरी करने पड़ेंगे। किल कैसे चोरी नहीं करेंगे? खैर वो किल चुराते नहीं है, वो चोरी हो जाते। जैसे कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती ना, वैसे वो किल चुराते नहीं, वो चोरी हो जाते। मैं चोरी करता नहीं, चोरी हो जाती है। किल चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। बंदा छुपा है आजा, कैंपर बना है आजा, लसन मिला है। और मैंने अपने टीममेट से कहा आगे की तरफ नेड किया है ना जा। लेकिन ये देखो आबा यार, मैं मेरी बात क्यों नहीं मानते भाई लोग, तुम लोग हाँ मैं पागल हूँ, मेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? मेरी बात क्यों नहीं मानते तुम लोग? मैं कह रहा भाई आगे की तरफ किसी ने नेट फेंका है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं तो फिर ये लो, अभी मेरे आगे वाली एक पेटी है, उसके अंदर है बहुत सारी असला बारूद लूट जो कि मुझे चाहिए। लेकिन बाहर की तरफ कोई खजवा डीपी लेके बैठा है, उसको चकमा देना पड़ेगा। ये अपोजिट वाली बिल्डिंग से मारे, ठीक है मेरे को। ये रही, अरे यार चलो भाई उठा लिए, उठा ली मैंने मौली, उठा ली। अब मौली गॉड बनने का समय आ चुका है। चलो भाई एक मौली फेंकूंगा इस कोने में और एक फेंकूंगा पीछे जाके, ताकि इनकी जल के राख हो जाए। ये ले। अरे बहुत सुंदर। चलो भाई हो गया काम 25। बेटा 30 साल का तजुर्बा है मौली गॉड बनने का, कौन सी मौली कहाँ से फेंकनी और कब फेंकनी है सब पता रहता है। और इतनी बकवास करने के बाद में मेरे सिर पर सिर्फ 3 किलो है, तो चलते थोड़ा सा आगे चलते। चलो भाई ये रहा। अबे छोचू ये डिसेस ले रहे ओपन में क्या कर रहा था? अब यहाँ पे बैठने के बाद मुझे पीछे की तरफ से भी फुटस्टेप आए हैं, इसका मतलब पीछे भी एक बंदा आ चुका है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ घपाघप खाओ 2-3 लसन और उसके बाद में देखो लसन बिल्डिंग वाले को।
ये देखो इसका हाथ दिख रहा है यहाँ पे, ये ले। और मैंने सिर्फ मौली ही पिक किए, तब तक मैं देखता हूँ कि हमारे भाई साहब को कितने प्रसाद दे दिया। अब क्या कर सकते हैं, तो मैं देता हूँ इसको। चलो भाई घर पे खेल रहा है भाई, निकला नहीं है सुमर कहीं का। ये ले पूरा फिनिश हो जाए, रीलोडिंग पूरा फिनिश हो जाए भाई तू, ये ले। और अब बारी है मेरे टीममेट का बदला लेने की, जो कि लेने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। बदले की बात कर रहा हूँ मैं, जो बदला लेने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ये देखो ये घोंचू बॉट के चक्कर में आ गया और उसका बॉट भी मैं ही फिनिश करूंगा। चलो भाई अपने यहाँ पे 8 किल हो चुके हैं और बंदे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचे ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2-3 बंदे अभी बाकी थे जो कि मेरे टीममेट को फिर से मार देते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे आता मुझे आते हैं फुटस्टेप, तो मैं यहाँ पे मौली गार्ड बनने की कोशिश कर रहा था और मैंने हमारे भाई साहब से भी कह दिया था कि भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे, आप यहाँ पे ना उतर के थोड़ा सा दूर उतरिए, लेकिन नहीं। तो फिर ये लो, दिख गया मेरे को घोंचू, ये बैठा है पड्डे के पीछे। उतरते ही पेटी बन गए भाई, और अब भारी मेरी है। आजा आजा बेटा आजा, ये ले पूरा फिनिश होने की कोशिश, नाकाम हो गए। भागो भागो भागो, बिना हील करे जाने की गलती मैं नहीं करने वाला, हील करके जाऊंगा। चलो भाई चलो बेटा तुम भी बस। ये घोंचू लोग पता नहीं कब से यहाँ पे छुप के बैठे हुए थे, वहां पे मैंने 8-9 बंदों को मार दिया, लेकिन ये यहीं पे छुप के कैंपिंग कर रहे थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, अभी वहां से निकल के मैं सीधा मिल्टन में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी ने शेनरॉन बुलाया था, तो मैं कहता हूँ भाई शेनरॉन की लूट मेरे को भी चाहिए कि नहीं, किस किसने क्या क्या मंगाया है मेरे को दिखाओ। और भाई पहले आते हैं लालची लोग, उसके बाद आते हैं बहुत ज्यादा लालची लोग, उसके बाद में आते हैं उससे भी ज्यादा लालची लोग, लेकिन उसके बाद आते हैं कौन पता है, ये लोग जो शेनरॉन की लूट लेने के बाद भी ये ऐसे घटिया से ड्रॉप लूटते हैं जिसमें M4 AK मिलती है। भाई इतनी लालच का क्या करोगे यार, मैं तो टूट गया भाई इस जमाने की जालिम हरकतें देख के, मेरे दिल के टुकड़े हो गए। और अब इनके पिछवाड़े के भी 2 टुकड़े करता हूं। चलो भाई ये ले लूट, ड्रॉप लूट भाई तू, तू भी लूट। अब मैंने सोचा भाई इनके पास बहुत खतरनाक सी लूट होगी, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छी लूट तो मेरे पास थी। अबे यार चलो चलो यहाँ से निकलते, चलो 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 चलो। अब वहां से निकल के मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आगे की तरफ किसी ने फ्लेयर मंगाए, इसका मतलब समझे दया। अब इसका क्या मतलब हो सकता है यह मुझे कमेंट में बताओ, तब तक मैं पेलता हूँ इसको। अबे लसनिया, चलो भाई। और भाई यहाँ पे ऐसे बचा हूं ना मैं खतरनाक प्रकार से, उसने स्नाइपर शॉट जड़ ही दिया था, लेकिन तभी मैंने क्राउच कर लिया, बहुत खतरनाक प्रकार से बचा हूं भाई मैं। और अब बारी है सीधा घुसने की, चलो भाई। लेकिन भाई इस बंदे से चतुर चालाक चमन चूतिया चुरन खाने वाला बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इस बंदे पे मैं हर जगह पे नेट फेंकता हूँ, लेकिन ये बंदा हर बार बच जाता है। अब मैंने नीचे नेट फेंका, वो बंदा बच गया। मैंने ऊपर नेट फेंका, वो बंदा बच गया। मैंने इस कोने में 2 मौलियां फेंकी, वो बंदा फिर से बच गया। आखिर बंदा है तो है कहा भाई, और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे वो बंदा कहां पे था। देखो अब बस देखो, वाह वाह भाई वाह, ये बंदा यहाँ पे था तो मौली से जला क्यों नहीं भाई, मैंने 2 मौलियां फेंकी यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मौली गॉड की शक्तियां कमजोर हो चुकी है क्या, मौली गॉड की शक्तियां कैसी रहती इसको दिखाता हूँ। चलो ये रहा, अबे घोंचू ये भूकू जुस्सू नुचू गुच्चू, इसको देता ऊपर साथ, ये ले। उस घर में तो छुप सकता था बेटे, लेकिन यहाँ पे कैसे छुपेगा।
ये मेरी ग्रोजा उठा के घूम रहा था, लात मार के भगा दिया। और अभी चलो चलो यहाँ से चलो 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 चलो। अब वहां से निकल कर मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिल मार रहा था, तभी मेरे आगे से एक गाड़ी जाती है। लेकिन ये मेरे बहुत ही जहरीले स्प्रे से बच गया, तो मैं कहता हूँ चलो इसका पीछा करके इसको घुस के पेला जाए है कि नहीं, क्योंकि 14 किल हो चुके हैं, बंदे बहुत ही कम बचे हैं, आपस में लड़के मर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ भाई ये ड्रॉप मेरे आगे दिख रहा है, इसको लूटने की कोशिश करूँ क्या मैं एक बार। अब इसमें एमके थी जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पे आती है एक गाड़ी। तो चलो बेटा आप बोलो भारत माता की जय। बस ये बंदे भी बोलते होंगे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। बहुत खतरनाक हूँ मैं, बहुत मारता हूँ और मर जाता हूँ फिर। अब भाई ऑब्वियसली मुझे पता था अगर यहाँ पे रहूंगा तो उस बंदे के नेड़ आ सकते हैं, इसलिए मैं एक सही मौका देख रहा था यहाँ से भाग जाने का, मतलब कि दूसरे वाले घर में, ताकि मुझे थोड़ा सा घूमने का मौका मिले कि नहीं, क्योंकि ये बंदे कम से कम तीन थे और तीन दिशा में फैले हुए थे। अब इनके पास कितने नेड़ बचे हैं कितने नहीं ये मेरे को थोड़ी पता था, इसलिए मैं भूखू जूसू उड़ाता हूँ और जाता हूँ बड़े घर पे। लेकिन ये देखो क्यों किसी को हंसी के बदले लसन नहीं मिलता, ये गेम में क्यों होता है। ला 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 ला। भाई तीन तीन जानवर अगर एक बंदे पे फायर कर रहे हो तो भूकू जूसू कुचू कुचू ये कुछ नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं यार, हमने अपना काम कर दिया है तो आप भी अपना काम कर दीजिए और मैं भी अब अपना काम खत्म करता हूँ। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, मुआ, बाय बाय। साथी मेरे साथी, उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढती आई साथी रे, तू कहाँ है कहाँ है। अबे चांद पे है मैं भाई, ऐसे चुड़ैल हो तो मरने में कैसी शर्म। नोटी उड़ा के बहन के